अरे भैया, क्या हुआ छोटी? देखो अने भैया, मैंने और तनु भैया ने मिलकर माँ के लिए बेस्ट ऑफ लक वाला कार्ड बनाया। माँ को तो पसंद आएगा ना? हाँ छोटी, माँ को ये कार्ड बहुत पसंद आएगा। और जैसे माँ कहती है ना कि छोटी का प्यार और तन्नू की खुशी जिस चीज में मिल जाए वो अपने आप अच्छी हो जाती है। छोटी, तन्नू, चलो अब हमें जल्दी से सोना होगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर हमें स्कूल जाने की तैयारी खुद करनी है और ऑफिस जाने में माँ की हेल्प भी करनी है। हाँ भैया, फिर कल उठकर बहुत सारा काम करना है ना। हाँ चलो, अब जल्दी से प्रेयर शुरू करते हैं। चलो मुझे क्या है, आज माँ हमारे वजह से ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। सॉरी भैया। कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी करो, हमें स्कूल जाने की तैयारी खुद ही करनी है। छोटी, तो फिर क्या माँ ने हमारे उठने से पहले ये सब रेडी किया? गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज बच्चों के टिफिन रेडी होते होते बच्चों की गुड मॉर्निंग भी जल्दी हो गई। माँ, हमने तो सोचा था कि हम जल्दी उठकर आपकी हेल्प करेंगे, पर आप तो सुपरमैन से भी तेज हो। क्यों? क्योंकि आपने सब काम इतनी फास्ट कर दिया,
जैसे आपने हमारे स्कूल जाने की तैयारी कर दी, हमारा टिफिन भी रेडी कर दिया, इसीलिए तो आप हमारी सुपर मॉम हो। सब याद है ना कि हमें क्या करना है? मुझे सब याद है, तुम चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो बच्चों, सब रेडी है ना, अब चले स्कूल। माँ हम सब तो रेडी है, लेकिन अब तक आप तैयार नहीं है। क्यों, मैं तो तैयार होकर आई हूँ। दादी वो भी मुझे बताइए कि कभी कोई ऐसे ऑफिस जाता है? नहीं तो बुआ जी, आप ही बच्चों के साथ मिल गई है। दीदी हम बच्चों को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ठीक कह रहे हैं। अप्रिया आज तुम ऑफिस जाकर एक नई शुरुआत करी और इस नई शुरुआत में हम तुम्हें सफेद रंग में नहीं देख सकते बेटा। नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए मन में उमंग होनी चाहिए और उस उमंग को नए रंग। बुआ जी आप जानती हैं ऐसा नहीं हो सकता। माँ आप जब भी ये सफेद रंग की साड़ी पहनती है ना, तब भले ही आप स्माइल करती हैं, फिर भी आप दुखी दिखती हो। हाँ माँ आप पहले की तरह रंगीन साड़ियां पहना करो। बेटा मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं, मैं रंगीन साड़ी नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? रस्मों रिवाज इंसान की खुशियों के लिए बनाए गए हैं। जो रस्म बच्चों के अपनों के चेहरे पर उदासी लाए उन्हें तो बदल देना ही अच्छा है। लेकिन बुआ जी हम ये भी तो नहीं भूल सकते कि हम एक समाज में रहते हैं। दीदी आपकी जिंदगी में समाज से ज्यादा आपके बच्चे मायने रखते हैं। बच्चों की खुशियों के लिए अपनी जिद छोड़ दीजिए दीदी। हाँ अपरा जिद करनी चाहिए, लेकिन जिद ऐसी हो जो बीते हुए कल को भुलाकर आने वाले कल में जीना सिखाए। जिद ऐसी करो जो समाज के रिवाजों को तोड़कर अपने बच्चों को खुशी दे। बेटा आज तुम्हारे बच्चों ने एक ऐसी जिद की और उनकी खुशी के लिए तुम्हें उनकी ये जिद पूरी करनी ही होगी। प्लीज माँ, प्लीज माँ, प्लीज माँ, छोटी की खुशी के लिए। By chance, दीदी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। दीदी
अब तो माँ तैयार होकर आई है, अब स्कूल चले। We love you, Mom. Thank you. Thank you. माँ, एक मिनट, मैं बस अभी आया। माँ, मेरे और तनु भैया की तरफ से ये पेन आपके लिए। ऑफिस में कोई भी सिग्नेचर करना होगा ना तो आप इस पेन से करना। माँ, मैं आपके लिए दही शक्कर लाया हूँ। आप हमेशा कहती है ना, हर नए काम की शुरुआत करने से पहले दही शक्कर खानी चाहिए, शुभ शगुन होता है। तो माँ लीजिए, आप भी दही शक्कर खाइए। अब जल्दी करो वरना तुम लोग स्कूल और मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वेलकम मैम, आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, हमने शेखर सर की फोटो पर माला इसलिए नहीं चढ़ाई क्योंकि हम जानते थे कि आपके जरिए शेखर सर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तुम भी मेरे काम में मेरी मदद नहीं करती हो। तुम्हें बिजनेस के बारे में, इस काम के बारे में सब कुछ सीखना चाहिए। अब मैं क्या करूं ये सब सीखकर? आप है ना ये सब करने के लिए? आज तो हूं, पर कल मुझे कुछ हो गया तो? मैम, डेवलपिंग और नए प्रोजेक्ट्स दोनों की फाइल मैं आपके पास भिजवा रहा हूं, उस पर एक नजर डाल लीजिएगा। मैम, मैं फाइल आपके पास भिजवा रहा हूं। कभी नहीं हार सकती क्योंकि तुम्हारा नाम अपराजिता है। तुम तो वो मां हो जिसने अपने बच्चों को ना सिर्फ जन्म दिया है बल्कि उनकी जिंदगियों को संवारा भी है।
चांस थी। मेरी चांस थी, अभी आपकी चांस है। ओहो, बस 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 अब बहुत हो गया खेलना, चलो खाना खाने चलो। नहीं दादी बुआ, हम माँ के साथ ही खाना खाएंगे। हम भी। लेकिन माँ को आने में देर भी तो हो सकती है। दादी बुआ वैसे भी हमें भूख नहीं लगी है, चलो ना। कांता मैं अपने कमरे में रामायण का पाठ करने जा रही हूँ, बच्चों को याद से खाना खिला देना। हाँ हाँ बाय चांस खिला दूंगी। गुड नाइट दादी बुआ। गुड नाइट दादी बुआ। गुड नाइट। पता है भाभी, आपको शेखर भैया के चेहरे पर देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। थैंक यू। कौन सी फाइल पढ़ रही हैं भाभी? भाभी भाभी ये फाइल छोड़िए, आप ये वाली फाइल देखिए, ध्यान से पढ़िए। ये उसी प्रोजेक्ट की फाइल है जिसकी कल मीटिंग है। वैसे भाभी मान गया मैं आपको, आपकी जगह कोई और होता ना तो इतनी सारी फाइल्स देखकर डर गया होता, घबरा गया होता, जैसे मैं घबरा जाता हूँ। और कई बार तो इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ भाभी कि देखा भाभी, इस कंफ्यूजन में मैंने आपको गलत फाइल दे दी। भाभी आई एम सॉरी। ये वो फाइल नहीं है एक्चुअली, वो फाइल, हाँ वो फाइल ये है भाभी जिसकी कल मीटिंग है, ये प्रोजेक्ट। थैंक गॉड भाभी कि आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, नहीं तो मैं तो बुरा फंसा था। कैरी ऑन। उम्मीद है बच्चे खाना खाकर सो गए होंगे। बच्चे कहाँ चले गए?